गुड इवनिंग एवरीवन। सो टाइम अभी हो रहा है शाम के 4:45 और मैं अभी हूँ बैल्कनी पे, और पूरे बैल्कनी पे अभी कपड़े और सूख रहे हैं क्योंकि आज थोड़ी सी बारिश हुई थी और इसलिए छत पे मतलब गीला गीला सा है, इसलिए छत पे कपड़े नहीं डाले हैं सूखने के लिए, आज यहाँ पे सूखने के लिए डाले हैं। और वैसे मैंने नया मंगलसूत्र पहना है जो कि मुझे काकी माँ ने दिया था, सो अभी मैंने वही पहने हुए हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि मैं अभी थोड़ी सी रेडी हुई हूँ क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले हैं पार्लर, मैं काकी माँ रिया, हम तीनों हेयर कट करवाने वाले हैं। बस कुछ ही मैंने पहले ही मैंने हेयर कट करवाए थे, लाइक दो से ढाई महीने पहले मैंने हेयर कट करवाए थे, लेकिन मेरे बाल फिर से बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे, सो इसलिए फिर से हम लोग जा रहे हैं हेयर कट करवाने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा हेयर कट नहीं करवाऊँगी, बस थोड़ा सा ट्रिम करवाऊँगी ताकि दो मुहे बाल हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं थोड़ा सा ट्रिम करवाऊँगी। और वैसे मेरे बाल काफ़ी जल्दी बढ़ते हैं, जैसे कि आप अगर मेरे वो वाला ब्लॉग देखी होंगे जिसमें मैंने हेयर कट करवाया था, उसके रात में मैंने दो चोटी बनाई थी और इतना सा था, दो चोटी यहाँ तक आ रहा था जब मैं चोटी बनाई थी, और अभी अगर मैं चोटी बनाऊँ तो यहाँ तक आता है। सो बाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं मेरा, इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है, मैं काफ़ी सारे DIY करती रहती हूँ अपने बालों के साथ ताकि वो ज़्यादा डैमेज ना हो, ड्राई ना लगे, बट कभी कभार जो है इतनी केयर ना कर पाने के कारण क्या होता है, दो मुहे हो जाते हैं बाल। मेरे बाल बहुत ज़्यादा दो मुहे जैसे नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी दो मुहे नहीं होते हैं, होते हैं। और आज मैंने नो मेकअप लुक किया है, थोड़ी बहुत सी समझ में आ रही कि मेकअप किया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, मैंने जस्ट फाउंडेशन अप्लाई किया है, कॉम्पैक्ट ब्लश थोड़ी सी अप्लाई की है, और ये लिपस्टिक मैंने नया लिया है सो उसे मैंने अभी वेयर किया हुआ है, थोड़ी सी काजल और एक लाइट कलर की आई शेडो बस, और कंप्लीट करने के लिए सिंदूर। सो बस यही है मेरा आज का मेकअप, और बस अभी हम लोग सब रेडी होने वाले हैं, रेडी हो मैं हो गई हूँ, रिया खुशी और रिया भी रेडी हो रही है, अमित जा रहे हैं हम लोग के साथ, ईशान घर में रह रहा है, ईशान आयुष और आयुष के जो डैडा हैं यानी कि काका, वो तीनों घर में रह रहे हैं, बाकी हम सब जा रहे हैं। और तो चलिए अभी 5 बजे हम लोग निकलेंगे, हम लोग ऑटो से जाने वाले हैं आज क्योंकि सबको एक साथ जाने वाले हैं इसीलिए, सो हम लोग आज ऑटो से जाएंगे। तो चलिए, और मौसम अभी काफ़ी अच्छा हो रखा है, बाहर सब क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, और बस थोड़ी सी बारिश हुई थी और धूप बिल्कुल भी नहीं है, वैसे इस टाइम पे धूप काफ़ी कम हो जाता है लेकिन आज धूप बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी अच्छा मौसम है। और ईशान को घर में हम लोग रख के जा रहे हैं बिकॉज तीनों लोग हेयर कट करवाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, और बारिश होने के कारण थोड़ी सी ठंडी भी हो रही है अभी यहाँ पर, सो इसीलिए ईशान उसके दादू के साथ घर में ही रहेगा और बस हम लोग सब जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, अभी मेरे बालों की जो लेंथ है वो है इतनी, हेयर कट करवाऊंगी तो आखिरी टाइम अपने बालों को कैमरा में कैच करना चाहती हूँ। सो मेरे जो बालों की लेंथ है अभी वो है इतनी, मेरा हेयर कट हो चुका है और मैंने अपने बाल इतने छोटे करवा लिए, बहुत ज़्यादा ही छोटे करवा लिए मैंने अपने बाल, और इस बार मैंने डीप यू कट करवाया है बैक में, और फ्रंट में मैंने थोड़ा सा कटिंग की है जो कि मैंने अभी इस तरह से पोनी टेल किया हुआ है। और रिया भी कट करवाई है डीप यू, और काकी माँ सिर्फ स्ट्रेट करवाई है जस्ट ऐसे ही। और अभी हम लोग दूसरे पार्लर पे हैं जहाँ पे रिया और काकी माँ दोनों गए हैं थ्रेडिंग करवाने के लिए, और मैं और मेरे हस्बैंड अभी हैं बाहर नीचे खड़े हुए हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत सारे सामान परचेज कर लिए हैं किचन के लिए, तो इसीलिए मतलब अभी ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा है कि इतना सारा सामान लेके, तो बस हम लोग यहीं पे नीचे खड़े हुए हैं, और खुशी और वो दोनों गई हैं ऊपर पार्लर थ्रेडिंग के लिए। सो गाइस, अभी हम लोग घर आ गए हैं और टाइम अभी हो रहा है रात के 8, और कुछ इस तरह से करवाए हैं मैंने अपना हेयर कट। जब मैं पार्लर गई थी तब भी मैं यहीं पे बैठी हुई थी सोफे पे, और तब मेरा हेयर कितना ज़्यादा था मैंने आपको दिखाया था उस टाइम, और अब वो इतना हो गया है, इतना। और फ्रंट में मैं ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं कट करवाए हैं, जैसा मेरा था वैसा ही है, लेकिन
थोड़ा सा मैंने छोटा करवाया है, यहाँ तक है। अच्छा लग रहा है ना? कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। जो मैं DIY फॉलो करती हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कुछ मैंने अपने चैनल पे शेयर भी किए हुए हैं, आप चाहो तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो और आप भी वो सारी चीज़ें अपनी डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हो। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं DIY ज़्यादा करती हूँ, और वैसे ब्लो ड्राई केमिकल वो सब मैं अवॉइड करती हूँ, कुछ भी मैं वैसा यूज़ नहीं करती। जितना हो सकता है मैं DIY करती हूँ अपने बालों के साथ, और मेरे हेयर काफ़ी फास्ट ग्रो होते हैं, ट्रस्ट मी। पिछले कुछ महीने, 2 से 2.5 महीने पहले ही मैंने हेयर कट करवाए थे, तब भी मेरे बाल इतने ही छोटे हो गए थे और फिर से बढ़े थे, लेकिन आज मैंने फिर से कट करवाए हैं तो अभी थोड़ा सा छोटा हुआ है, लेकिन बहुत फास्ट ये ग्रो होता है। उसका रिजल्ट आपको मेरे ब्लॉग में ही मिल जाएगा। अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो मेरे ब्लॉग को तो उसका रिजल्ट आपको वहीं पर मिल जाएगा, कितना फास्ट मेरा हेयर ग्रो होता है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और रिया का भी हेयर स्टाइल मैं आपको दिखा देती हूँ। रिया का भी हेयर थोड़ा बहुत छोटा हो गया है, अभी वो 2 साइड में पॉनीटेल करके रखी है, और ईशान के लिए मैंने किटकैट लेके आया है। यहाँ का लाइटिंग काफ़ी अच्छा है ना, और हम आए हैं ऑलिव ऑयल ईशान के लिए, और थोड़ी बहुत मैं भी यूज़ कर लूँगी। और मैं लाई हूँ ये एक कॉटन है, और अमित अभी गए हैं ईशान को लाने के लिए और काकी मार खुशी को छोड़ने के लिए वहाँ पे, और टाइम अभी रात के 8 हो रहे हैं। आज हम लोग मेरा आज आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, मुझे आइसक्रीम की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। वहाँ पे भी मुझे पानी पूरी खाने का मन था, लेकिन टाइम ही उतना नहीं हो पाया। एक तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और दूसरी चीज़ क्या थी कि अगर इतना ज़्यादा लेट हो जाता है तो ऑटो नहीं मिलता उधर से। वैसे बस तो हर टाइम मिल जाता है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि जितना जल्दी हो सके जो जाना ही ठीक है घर। इसीलिए हम लोग घर चले आए, पानी पूरी नहीं खा सके, ऐसा पहली बार हुआ। का डिनर जो है वो है फिश करी विथ राइस, क्योंकि अभी रोटी बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इसीलिए फिश करी है। सुबह ही बनाए थे, वही है, और उसके साथ राइस और कुछ नहीं। और ईशान के लिए देखते हैं कि एक रोटी बना देंगे ईशान के लिए, ईशान रोटी खा लेगा। अभी शायद ईशान बहुत कुछ वहाँ पे खा चुका है, क्योंकि वहाँ पे है तो आयुष इधर कुछ ना कुछ उसे खिलाता ही रहता है, वहाँ पे वो बहुत कुछ अभी खा चुका होगा शायद। बस अभी वो घर आने वाला है। हाँ, मैं आपको रिया का हेयर स्टाइल फिर से दिखा देती हूँ, क्योंकि उसका मन है कि उसका हेयर स्टाइल आप बैक साइड से देखो कि कैसा लग रहा है। हम दोनों ही डीप यू करवाए हैं वैसे। ये है रिया का हेयर स्टाइल। रिया के बाल भी थोड़े से ही कट, नहीं थोड़े से नहीं, रिया के बाल बहुत ज़्यादा कट के थे, क्योंकि रिया का बाल इतना था। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी है, नेक्स्ट डे है आज, आज है मंडे, और कल मैं और ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर सकी, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी कल। ऊपर से ईशान आया था वहाँ से, और ईशान था फुल ऑफ एनर्जी के साथ, क्योंकि वो वहाँ पे जाके सो गया था। 8 बजे वो आया घर, और 8 बजे से रात को 1 बजे वो सोया कल, ठीक है। तो इसीलिए बस हम लोग, नींद तो बहुत आ रही थी लेकिन सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो इतना खेल रहा था कल, क्या बताए, बहुत परेशान किया हम सबको, क्योंकि वो तो शाम को सो गया था और फिर रात को उसे नींद कैसे आएगी, ठीक है। इस चीज़ मतलब इसलिए हम लोग कल, मैं एक्चुअली कल ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर सकी। ईशान आया, उसके साथ थोड़ा सा हम लोग खेले, फिर वो बुक पढ़ा, क्योंकि उसको आदत है बुक पढ़ने की, वो बुक पढ़ा, और उसके बाद हम लोग किए डिनर। डिनर करने के बाद फिर ईशान को लेके ही हम लोग बिजी थे, और उसके बाद स्किन केयर कल कुछ नहीं हुआ, जस्ट मैंने अपने मेकअप को रिमूव किया और थोड़ा सा रोज़ वाटर बस, और कुछ नहीं ऐसा मॉइस्चराइज़र वगैरह, मतलब कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन बस ईशान के लिए हम लोग जगे हुए थे, ठीक है। फिर उसको
मतलब बहुत फोर्सफुली हम लोग उसे सुलाए रात को, वो भी रात को 1 बजे, ठीक है, रात को 1 बजे उसको, मतलब रात को 1 बजे तक भी उसको नींद नहीं आ रही थी। मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। रात को 1 बजे तक भी उसको नींद नहीं आ रही थी, बहुत ही फोर्स करके हमने उसे सुलाया, पूरे घर के लाइट्स को हमने ऑन ऑफ कर दिए, पता नहीं अभी कुछ है शायद, ढोल वगैरह बज रहे हैं, जो भी है। रात को मैं थोड़ा सा लाउड बोलती हूँ क्योंकि पता नहीं मेरी आवाज़ अब तक आएगी नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है बाहर। मैंने मतलब हमने रात को 10:30 बजे हम उसे सुलाने की कोशिश कर रहे थे 10:30 बजे से, और उस टाइम हमने घर के सारे लाइट ऑफ कर दिए, बेड वगैरह रेडी थे, हम लोग सोने के लिए रेडी थे, लेकिन इंसान रेडी नहीं था। कभी बेडरूम, कभी हॉल, कभी किचन, कभी पूजा रूम, मतलब ऐसे पूरी रात, मतलब 12:30 बजे तक वो ऐसे ही कर रहा था। उसको संभालते संभालते 1 बज गया। 1 बजे बहुत ही मुश्किल से उसको मतलब ला के लेटाए बेड पे, और थोड़ा थोड़ा सा ऐसे थपकी दे देते थे, गाना सुनाते सुनाते, फिर जाके उसको नींद आई। और वो सोया, वो पता नहीं वो कब सोया, पता नहीं हम कब सोए, कैसे सोए, मतलब कहाँ हमारा सर और कहाँ हमारा पैर, कुछ पता नहीं था कल। और सुबह जब उठे, मैं पहले ही उठ गई थी आज सुबह, हम उठे फिर मैं देख रही हूँ कि ईशान ऐसे उल्टा होकर सोया हुआ है, मतलब हाँ मेरे मुंह की तरफ है उसका पैर और मेरे पैर की तरफ है उसका मुंह, ठीक है, वैसा करके वो सोया हुआ था। और फिर उठे हम लोग 7 बजे, आज जल्दी उठ गए हैं, 7 बजे हम लोग उठे हैं। ईशान वैसे जल्दी उठ जाता है, लेकिन आज ईशान का थोड़ा सा लेट हो गया, उसका रात उसने बहुत देर से सोया था। और अभी हाय शिव, हाय कोरेदा, हाय कोरेदा, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30, और अमित अभी फ्रेश हो रहे हैं, अभी जस्ट हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद अमित जाएंगे ऑफिस, और उसके बाद हमें खेलना है ईशान के साथ, थोड़ी बहुत खेलना है उससे अभी, फिर खाना खिलाना है, खाना खिलाने के बाद उसे मसाज करनी है, फिर उसे नहलाना है, ये सब करके उसे फिर सुलाना है 12:30-1 बजे तक। और घर के काम भी होते रहेंगे साथ साथ, और हम लोग हैं अभी बेल्कनी पे, हम लोग हैं अभी बेल्कनी पे, और लाइट पता नहीं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा है, बिकॉज आज भी उतनी अच्छी तरह से धूप नहीं निकली है, आज भी उतनी अच्छी तरह से धूप नहीं निकली है। और कल हमने हमारे यूट्यूब के लिए थोड़े बहुत से सेटअप किए हैं, मैं पहले हॉल रूम में ही अपना वीडियो शूट करती थी, जो मेरा DIY या फिर ब्यूटी, मतलब जो वीडियो मैं बैठ के बनाती थी वो पहले मैं हॉल रूम में ही बनाती थी, लेकिन अभी बेडरूम में बनाऊंगी, क्योंकि अमित सारा लाइट का जो सिस्टम है वो ठीक कर दिए हैं, बेडरूम में अच्छी तरह से लाइट वाइट लगा दिए हैं। अब इससे मैं अपना ये सारे वीडियोज बेडरूम में बैठ के बनाऊंगी, और मुझे बैकग्राउंड के लिए भी बहुत सारे आइडिया हैं मेरे पास, वो सब भी मुझे अभी सेटअप करने हैं, वो तो आपके ब्लॉग या फिर वीडियो में आपको दिख ही जाएंगे। चलिए अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बिकॉज अभी तभी फ्रेश हो गए हैं, पूजा कर लिए हैं, चलिए। और हाँ, ब्रेकफास्ट में आज मैंने पोहा बनाया है, और लंच में है कॉलीफ्लावर और करेला फ्राई किया है, और करेला ईशान का बहुत अच्छा लगता है खाने में, ईशान का फेवरेट है करेला, और अमित को भी अच्छा लगता है, तो करेला मैंने बनाया है, करेला फ्राई मैं और यह नहीं खाते, ईशान और अमित खाते हैं, और कॉलीफ्लावर दाल और राइस बस। लंच हम लोग का बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मतलब कुछ स्पेशल नहीं बनता है अच्छा, ऐसा मैंने बोलूँगी स्पेशल कुछ, लाइक नॉन वेज वगैरह लंच में हम लोग नहीं बना पाते, क्योंकि इतना मतलब टाइम नहीं हो पाता है सुबह को कि नॉन वेज लाओ फिर बनाओ उसे अच्छी तरह से, और नॉन वेज बनाने में बहुत टाइम भी लग जाता है, इसलिए तो होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होता है, वो सब हम डिनर में ज़्यादा बनाते हैं, और लंच में होता है लेकिन बहुत ही कम। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अभी मैं आपसे काफ़ी टाइम बाद बात कर रही हूँ, टाइम तो वैसे अभी काफ़ी हो चुका है, लाइक अभी शाम दोपहर हो रही है, एक्चुअली अभी दोपहर हो रही है, और मेरा लंच हो गया है, शावर ले लिया है ईशान, मैं आपसे बात की, उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किए, ब्रेकफास्ट करने के बाद अमित गए ऑफिस, ईशान घर आके
सोने के लिए जिद कर रहा था, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो अच्छी तरह से नहीं सो पाया था। सो वो सोने के लिए जिद कर रहा था, मैंने उसे सुला दिया। उसके बाद हमने घर की क्लीनिंग की, जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे वो सब कुछ, मतलब काम वगैरह सब ख़त्म करने के बाद शावर ले लिए, फिर लंच कर लिए। लंच करने के बाद ईशान उठा, ईशान फिर फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद ईशान लंच किया, और अभी ईशान अपना स्नैक्स भी ले चुका है और आज वो एप्पल खाया है। सो अभी मैं फिर से बैलकनी पे आके बैठी हुई हूँ, बिकॉज थोड़ी सी हल्की हल्की धूप हो रही है तो फिर अच्छा लग रहा है बाहर। और मैंने अभी आईलाइनर लगाए हुए हैं, आईलाइनर, और फेस पे मैंने आज कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। ये मेरा बिना मेकअप वाला मैं कैसी हूँ वो है। और हेयर वॉश मैंने आज किया है, बिकॉज कल मैंने हेयर कट करवाई थी। सो मैंने हेयर और हाँ, मैंने अपने हेयर केयर के सारी चीज़ें बदल दिए हैं। क्यों आप अगर जानना चाहते हो तो वो ऐसा कुछ खास वैसे रीज़न नहीं है, बट मैंने जस्ट ऐसे ही सर्च किया कि कौन से प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, और मेरे बाल कलर किए हुए हैं, मैंने बर्गंडी कलर करवाया है बालों पे। सो इसीलिए भी मैंने अपने इशू उदी जाना सुना उदी जाना हाँ ली सो मैंने अपने हेयर केयर के सारे प्रोडक्ट बदल दिए, लाइक शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, हेयर ऑयल, सब कुछ मैंने नया परचेज़ किया है। और वो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब वो आ जाएगा। मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, हम सब ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही लेती हूँ, बिकॉज ईजीली मिल जाता है ऑनलाइन, और मार्केट में बहुत मुझे ढूंढना पड़ता है इसीलिए। सो जब वो सारा कुछ आ जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। और एक न्यूज़ है आपको देने के लिए, झारखंड से आ रहे हैं अमित के दादी दादाजी। हाँ, आज वो ट्रेन में बैठे हैं और वो लोग आ जाएंगे कल परसों यानी कि बुधवार को वो लोग आ जाएंगे सुबह आठ बजे के करीब वो लोग आ जाएंगे। मैं थोड़ी रुक रुक के बात कर रही हूँ क्योंकि ईशान है, तो उसे भी देखना पड़ रहा है कि इधर जा रहा है किधर नहीं, नहीं तो इधर ही सीढ़ी है फिर नीचे उतर जाएगा या फिर छत चला जाएगा। सो उसे भी मुझे देखना पड़ता है। सो हाँ, अमित के दादाजी और दादी जी आ रही हैं यहाँ पे, यानी कि झारखंड से तमिलनाडु वो लोग आ रहे हैं, और वो काफ़ी ओल्ड भी है लेकिन उनका आने का मन है, तो फिर वो लोग यहीं पर आ रहे हैं और लंबे टाइम तक भी रहने भी वाले हैं हम लोग के साथ। सो वो भी एक गुड न्यूज़ है हम सब के लिए, और वो भी हम सब को देखना चाहती हैं, और ईशान को देखना चाहते हैं, आयुष को, खुशी को। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है उनके आने का। बिकॉज जब दिवाली थी तो हमें ही वो बुला रही थी, लेकिन हम लोग तो नहीं जा पाए, तो अभी वही आ रही है यहाँ पे, है ना बड़ो माँ आ ना ईशनूर बड़ो ना। और सो बस यही है आज का अपडेट। ठीक करो बस तुम्हें, हाई करो आंटी देर के, हाई करो आंटी देर के, हाई करो। हाय दबा दे दो। तुम हेड कोई, आईज कोई, नोज, ईयर, हेयर, टीथ, टंग, ओके, हैंड, फिंगर, ओके। ब्लॉग को मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं आपके साथ किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय ईशू।
दाओ 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 बा बनाई बनाई।